चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर इंडियन आर्मी कलर का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। दोस्तों इसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो हमारे गत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की जिनकी संभावना रहती है दोस्तों। तो आप ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों और हर एक क्वेश्चन का लुत्फ उठाएंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर है, किसी अर्धवृत्त में कोण कितना होता है। दोस्तों देखिए, जब भी आपको अर्धवृत्त में कोण की बात कही गई होगी तो दोस्तों वो कोण आपका 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। एक आप जब अर्धवृत्त बनाते हैं तो इसमें कोण पूछा जाता है दोस्तों, तो अर्धवृत्त में बनने वाला कोण दोस्तों आपका 90 डिग्री कहलाता है, तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री का होता है। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यामिति का। यदि एक्स बराबर ए कॉस ऑफ थीटा प्लस बी साइन ऑफ थीटा और वाई बराबर बी कॉस थीटा माइनस ए साइन ऑफ थीटा, तो आपको बताना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले यहाँ पर आपके लगेंगे। पहले आप क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर और बाद में आप वाई स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप यहाँ पर निकालने में। आप पहला करते हैं, जब आप एक्स स्क्वायर करेंगे दोस्तों आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस टू ए बी साइन थीटा और कॉस थीटा आपका आ जाएगा। और प्लस करेंगे दोस्तों आप यहाँ पर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टू ए बी। दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस टू ए बी आता है आपका, माइनस टू ए बी साइन थीटा और कॉस थीटा। अब दोस्तों देखिए, आपके यहाँ पर दो कट गई है, दोनों कट जाएंगे और आपका बचा क्या, आपके दोस्तों देखिए आपका ए स्क्वायर और अंदर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा और प्लस बी स्क्वायर अंदर यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका बचा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा इनका मान हमारा एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है आपका। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा और प्लस बी स्क्वायर, तो केवल आपका इतना ही बचता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला दिखता तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए आपको यहाँ पर दिया है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर दो दिया है तो आपको बताना है यहाँ पर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर क्या होगा। दोस्तों देखिए, जब आपको यहाँ पर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दिया रहता है तब आप निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दिया तब आप किस तरह निकालेंगे ये हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए पहला काम आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को निकालना है का होल स्क्वायर को। दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फोर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा का होल स्क्वायर निकाल लेंगे यहाँ भी। दोस्तों ये आपका यहाँ पर इतना होता है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस दोस्तों फोर ए बी होता है आपका। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आपका ए बी क्या है, ए बी में यहाँ पर दोस्तों आपके कट जाते हैं यहाँ पर, ये तब आपका केवल फोर बचता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब दोस्तों देखिए, आप मान रख देंगे, आपको यहाँ पर इसका मान आपने अभी निकाला ऊपर, ये फोर होता है तो दोस्तों यहाँ पर फोर आ जाएगा और माइनस फोर आपका ऑलरेडी है तो ये दोस्तों जीरो आ जाएगा। तो यदि आपका दोस्तों यहाँ पर x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर जीरो है तो आपका x माइनस वन अपॉन एक्स भी आपका क्या होगा, वो भी दोस्तों आपका जीरो ही हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ये जीरो हो गया तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर किस तरह हमने निकाला, यहाँ पर आपको देखना है, ये दोस्तों हमने यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर किया, ये हमारा होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, दोस्तों आपका ये इतना होता है, यही हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। ये मान हमने यहाँ पर दो रख दिया था और प्लस दो किया था तब यहाँ पर ये आया था। अब दोस्तों देखिए, हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है, नौ एक्स स्क्वायर प्लस सोलह वाई स्क्वायर बराबर साठ और थ्री एक्स प्लस फोर वाई बराबर छः, तो एक्स वाई का मान क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, पहला काम आप क्या करेंगे, ये दो आपकी इक्वेशन है दो आपकी, तो आप दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। तो क्या करेंगे आप, थ्री एक्स प्लस फोर वाई का होल स्क्वायर कर देंगे और इधर आपका यहाँ पर सिक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात आपने इक्वेशन के दोनों ओर यहाँ पर वर्ग कर दिया दोस्तों। तो देखिए आपको क्या मिलता है यहाँ पर, ये आपका नाइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर सिक्सटीन वाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस टू ए बी अर्थात टू
इंटू 4 इंटू 3 12 इंटू एक्स वाई आपका आ जाएगा, और इक्वल टू दोस्तों आपका यहाँ पर आपने 6 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर 36 आ जाएगा आपका ये। अब आप देखिए इतना आपका मान आपको दिया है पहले से, यहाँ पर ये 60 है तो दोस्तों आपका इतना 60 आ जाएगा, और प्लस ये आपका 24 यहाँ पर एक्स वाई आ गया इक्वल टू दोस्तों आपका 36 यहाँ पर है। अब देखिए आपको केवल यहाँ पर एक्स और वाई चाहिए तो एक्स वाई बराबर क्या आ गया आपका यहाँ पर 36 माइनस 60 अपॉन 24 दोस्तों, ये आपका माइनस 24 आ गया और अपॉन 24 दोस्तों ये आपका माइनस 1 निकल के आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ये वाला दिखता है माइनस 1, तो माइनस 1 आपका सही हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को आपको इस तरह करना है। अब देखिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है देखिए, मान लीजिए किसी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएँ आपको दी हैं बी डी सी ई व ए एफ, बिंदु जी पर मिलती हैं तो ए जी अनुपात जी एफ निकालना है आपको। दोस्तों पहले तो आप यहाँ पर फिगर ड्रॉ करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है और त्रिभुज की माध्यिकाएँ दोस्तों क्या होती है, देखिए माध्यिकाएँ मतलब जो एकदम मध्य में डिवाइड करती हैं। मान लीजिए ये यहाँ पर इस तरह होगी, एक आपकी इस तरह होगी और ए आपकी इस तरह होगी। देखिए ए बी और सी आपका त्रिभुज है और माध्यिकाएँ दोस्तों यहाँ पर डी ई और एफ हैं और यहाँ पर सेंटर बिंदु आपका क्या है जी है। तो आपको निकालना अनुपात जो है दोस्तों वो आपको निकालना है ए जी, देखिए ए जी अनुपात जी एफ। दोस्तों देखिए यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज इस तरह का होगा, बी यहाँ पर होगा आपका और सी यहाँ पर होगा, तो देखिए आपको निकालना है ए जी अनुपात जी एफ। दोस्तों देखिए ए जी अनुपात जी एफ निकालना होता है जब भी आपका, तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर इसके कंपेयर में दोगुना होता है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों, ये यदि आपका एक है तो ये आपका दो होगा। तो अनुपात क्या आ जाएगा, पहले ए जी का लिखेंगे आप, ए जी का दो और जी एफ का एक, तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर 2:1 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है, दी गई आकृति में कोण ए बी सी बराबर क्या होगा, ए सी बी आपको निकालना है दोस्तों, ये वाला कोण आपको बताना है क्या होगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको ये वाला कोण पता होगा क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला कोण कितना होता है दोस्तों, ये आपका कोण ए ओ बी बराबर आपका 180 डिग्री है, 180 डिग्री। और दोस्तों देखिए एक रूल क्या होता है, हमेशा आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण रूल है, जब भी दोस्तों आपको एक ही चाप पर दो कोण दिए गए हों, यहाँ पर केंद्र पर बनने वाला कोण आपका पता है आपको, केंद्र पर आपका 180 डिग्री बना और दोस्तों यहाँ पर चाप के द्वारा जो भी अंदर कोण बनेगा दोस्तों वो आपका केंद्र पर बने कोण का आधा होगा, हमेशा आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपका कोण ए सी बी बराबर कितना होगा, एक 180 का आधा होगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, तो ये रूल आपको याद रखना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपको 18:30 दिया है और यहाँ पर 36:1 क्या है निकालना है। देखिए एक रूल हमारा बनता है 18:36 और 30:60, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 60 कहीं भी नहीं दिया है, तो आप अगला रूल निकालेंगे दोस्तों। देखिए 18:36 माइनस 6 करने पर आपका 30 आता है, तो यहाँ भी आपका क्या होगा, 36:72 माइनस 6 करेंगे तो 72 माइनस 6 क्या क्या आ जाएगा आपका, ये आपका 66 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपने यहाँ पर देखे, ये हमारे आर्मी क्लर्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे अलग अलग प्रकार के, तो आप इनको तैयार कर लेंगे दोस्तों, और भी हम इस तरह के क्वेश्चनों को आपको लगातार बताए जाएंगे, हमारे साथ यही बने रहेगा। ओके थैंक्स।